जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और इस खुशहाल शाम में आप सबका साथ देने के लिए मैं सोनू कुमार हाजिर हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा पे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी को और आगे कंटिन्यू करेगा और आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अपना टारगेट होगा। पहले आपने किया यूनिट मेजरमेंट, फिर आपका वर्क एनर्जी पावर था, फिर आपका ग्रेविटेशन था, आज आपका रहेगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अरे फटाफट से शेयर तो कर दो सेशन को, एक बार दबा के सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर करें स्टार्ट। जितना जल्दी हो सके सेशन को शेयर कर दीजिए, हर बच्चा शेयर कर दे जल्दी से। यस, जय हिंद जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय महाकाल। सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दो सारे। यस, जय। मैथ की क्लास का टाइम भी बताएंगे सार्थक भाई, पहले फिजिक्स कंप्लीट कर ले। बिल्कुल, एक बार जल्दी से सेशन को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए ये संदेश कि आपकी बार आर या पार, ये आखिरी लड़ाई होनी चाहिए आपकी। बिल्कुल, मैं एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम खुश, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, जल्दी से यस, जय हिंद एवरीवन। सेशन को शेयर करो भी दबा के, हर बच्चे को बुला लो, हर ग्रुप से बच्चे को उठा लाओ यहां। यस, ओके ओके ओके, यस सर। तो करें सेशन स्टार्ट, क्या सब तैयार हैं, क्या सब तैयार हैं? यस, तो फाइनली मेरे योद्धाओं, एक बार जय हिंद का बूस्टर डोज दे दीजिए, फिर सेशन शुरू करते हैं, जोरदार तरीके से सेशन शुरू करते हैं। तो फाइनली जय हिंद एवरीवन, हर बच्चा एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे। यस, हर बच्चा जय हिंद लिखे। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से, ठीक है। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक ऐसी डिवाइस, आपको बताना है एक ऐसी डिवाइस जिसकी सहायता से हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जा सके, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हीट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत होगी। माय डियर फ्रेंड्स, किस डिवाइस की जरूरत होगी, तो कमेंट करें जल्दी से। यस, हर बच्चा कमेंट करे, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। यस, ऑप्शन काफी अलग अलग आ रहे हैं। यस भाई, गलत दे रहा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। हाइड्रोमीटर, ये क्या मेजर करता है, मेजर्स रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या मेजर करेगा, ये आपका सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व मेजर करेगा, विशिष्ट गुरुत्व मेजर करेगा, ये मेजर करेगा, ठीक है। थर्मोकपल, तो यहां देखिए थर्मोकपल, ये एक तरीके से ये एक प्रिंसिपल की तरह काम करेगा और डिवाइस का नाम है आपके पास थर्मोपाइल,
थर्मोपाइल पाइल। तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलेगा। वोल्ट मीटर ये मेजर करता है वोल्टेज, ये मापेगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा, विभवांतर मापेगा। और उसके बाद है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको करवाया था, मैराथन में भी ये करवाया था, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू प्रकाशीय ऊर्जा को इंटू आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मेरे हिसाब से आपको चारों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सबको। अरे फटाफट से यार सेशन को तो शेयर करो, सेशन का तो बूस्टर डोज मिला ही नहीं, जल्दी से शेयर करें सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। यस एवरीवन, सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये प्रकाश विद्युत सेल प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, थर्मोपाइल इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट से, और हाइड्रोमीटर ये सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व ये मापेगा। क्लियर हो गया? फिर कल कितने बजे सोए थे? ओके। हेलो अनुज, क्या हाल चाल है? यस हर्ष भाई, सोने का टाइम तो वही था, 12-1 बजे के आसपास। बिल्कुल, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दे, जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दें, सेशन में वो जोश दिखना चाहिए, 8 बजे का जो आपका इंतजार रहता है सेशन में वो जोश दिखना चाहिए आपको। यस बिल्कुल, नेक्स्ट देखिए आपके पास 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है, 1 केजी है सर, दे क्या रखा है, वाटर, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, अगर आपको कैलोरी में निकालना है तो 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होता है सर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर क्या दे रखा है सर, 30 से बढ़ के 80, तो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस, ये चेंज इन टेम्परेचर है। और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वैल्यू दे रखी है सारी, बिल्कुल दे रखी है सर, एम की जगह क्या पुट कर दूं मैं, 1, सी की जगह कितना, 1000, और डेल्टा टी की जगह कितना, 50, तो ये आपके पास हो जाएगा 50,000 कैलोरी। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा, आंसर ए बी सी या डी, इट्स 8 PM नाउ सर। ओके सजल भाई, नाराजगी चल रही है क्या, सेशन शेड्यूल नहीं हो पाया था किसी वजह से, और लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि 8 बजे वाली क्लास आपको रोजाना मिलेगी, तो थोड़ा लेट सही, क्लास तो फिर भी मिलेगी आपको, और ये जो कमियां रह गई ना, थोड़ी कम क्लास आपको मिल रही है, नेक्स्ट संडे आपके पास फिर एक बार बड़ी क्लास लेके, अगले संडे एक बार फिर से भाई ऐप पे आप एक बार फिर से चेक करें, अपलोड हो गया कल का PDF, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ओके, सबको समझ तो आ गया ना कैसे क्या किया है, सी क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, ये चीज आपको याद रखनी। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को तो यार शेयर करें, सी क्या है,
तो सी बता तो दिया, विशिष्ट उष्मा है। आपका जो डाउट आ सकता है, मेरे मन में पहले ही ख्याल आ गया, मैंने पहले ही बता दिया। और एक अच्छा सवाल यहां से आप ये याद रखेंगे, क्या याद रखें सर, कि आइस का विशिष्ट उष्मा का मान पानी के कंपैरिजन में आधा होता है, सी वाटर बाय टू। एक तो आपको ये याद रखना है, और दूसरा आपको यह याद रखना कि विशिष्ट उष्मा का मान सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम फॉर, तो आपका आंसर हो जाएगा वाटर। विशिष्ट उष्मा न्यूनतम होगी, विशिष्ट उष्मा न्यूनतम होगी, तो ये सॉरी न्यूनतम नहीं अधिकतम आएगा, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी, तो किसके लिए होगी, वाटर के लिए। कितनी होगी, तो कैलोरी में ये है और जूल में ये हो जाएगी आपके पास, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका हो गया था 50 किलो कैलोरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, सर 24 आवर्स वाले लेक्चर का पीडीएफ, 24 नहीं, वो खैर आपके 12 घंटे थे, लेकिन वो लेक्चर ऐप पे आपका अपलोड हो गया है। सर मेरा ऐप में बाय नहीं हुआ, अनुज भाई एक बार आपका शो नहीं हुआ या बाय नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं अनुज? सर मेरा ऐप में सब्सक्रिप्शन बाय नहीं हुआ, भाई एक बार फिर से चेक कर, ये वाला कोड लगा Y575 77% ऑफ मिल जाएगा आपको, कोड लगाओ सारे जो भी नेवी में आना चाह रहे हैं। देखो अभी एयरफोर्स कंप्लीट करो अपना, साथ में आप क्या करो, आप महापैक ले लो, महापैक ले लो आप डिफेंस का, जिसमें आपका आर्मी एयरफोर्स नेवी आपको एक साल के लिए मिलेगा, साथ में अभी डबल वैलिडिटी, तो 12+12 24 मंथ के लिए आपका हो जाएगा। क्या सर हमें 24 महीने तैयारी करनी पड़ेगी? नहीं, खुद सिलेक्शन लो, अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दो, जो आपका सबसे निजी है उसको गिफ्ट कर दो। इस जब ये सेशन खत्म होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, डायरेक्ट लिंक डलवा देंगे, ठीक है। कैसे लेना है एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहां से देखिए कैसे लेंगे सब्सक्रिप्शन, एक बार मैं आपको बता देता हूं, वो भी जरूरी है क्योंकि थ्योरी तो आपको वहीं से पढ़नी है, थ्योरी आपको वहीं से पढ़नी है। देखिए आपके पास यहां से ये देखिए सारे कोर्सेज हैं, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा, डिफेंस, ये डिफेंस सेलेक्ट किया आपने, ठीक है सर। डिफेंस मापैक पे जाएंगे, मापैक पे जाके आप क्या करेंगे, यहां से ये वाला मापैक है क्लिक करेंगे, क्लिक किया, यस सर किया, डबल वैलिडिटी आपके पास, आपने अगर 12 महीने का लिया है, बाय नाउ, और यहां पे मांगेगा एक कोड, यहां से लेगा एक कोड। सर कोड क्या दें, कोड आपको यूज करना है Y Y 575। एक बार मैं फिल करके आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां से एक बार फिल करके मैं आपको दिखा दूं, यहां कोड क्लिक किया Y575, एंटर, अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद अब कीमत कितनी रह गई, आपके पर्सनल खर्च या जेब खर्च की मैं बात करूं उससे भी कम। अब समझ आ गया कैसे लेना है? सर अब तक ग्रुप में मैथ की एक भी क्लास ठीक नहीं हुई है भाई, पेड वाले में चल रहे ना क्लासेज आपको मिलेंगी। विनोद भाई यही बताया है, जब आप को कोर्स के उस पे ले जाएगा तब आपको कोड ये वाला यूज करना है, ये वाला कोड यूज करना है वाई
y 575 ये यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं चलिए तो चल जाएगी भाई, कहाँ दिक्कत आ रही। पहले फिजिक्स तो निपटा लो फटाफट से। कहाँ गया आपका सेशन? ये रहा। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। अगला क्वेश्चन आपके पास, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट जो चाहिए उसे क्या नाम देंगे हम, उसे हम क्या नाम देंगे? फटाफट से आंसर करें, आंसर करें, फिर थोड़ा डिटेल बताना आपको। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली। मापेक आपका जो 12 महीने वाला है वो डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, 6 महीने वाला भी डबल वैलिडिटी के साथ। उज्ज्वल भाई टेक्निकल मैथ आपका जल्दी से जल्दी होगा, इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगा। यस, आंसर क्या होगा आपके पास? शुभम डी आंसर नहीं होगा। यस, जो आंसर ए दे रहे हैं डेफिनेटली आपकी तैयारी काफी अच्छी है, आपकी तैयारी काफी अच्छी है। बिल्कुल भाई सेशन को एक बार शेयर कर दें, सारे सेशन को शेयर कर दें जोरदार तरीके से। कोई नहीं, नेक्स्ट संडे को तोड़ देंगे। ओके भाई, ओके श्रेयान। चलिए एक बार देखिए, यहां से, यहां से दो चीजें आपको पढ़नी है। सर क्या पढ़ना है देखो, 1 कैलोरी इज दैट मच एनर्जी, इज दैट मच एनर्जी, इज दैट मच एनर्जी, that much energy required to change the temperature of 1 gram water up to, या by आप लिख सकते हो 1 degree Celsius। और ये 1 degree Celsius कौन सा, तो ये आप याद रखेंगे 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, ये आप याद रखें, इतने से इतने तक। ये तो डेफिनेशन थी किसकी, 1 कैलोरी की। और 1 कैलोरी को आप दूसरा किससे लिख सकते हो, 4.2 जूल की। दूसरा आपके पास डेफिनेशन क्या बनती है, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या रही, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg substance, SI में अगर बात करूं तो 1 kg, CGS में 1 gram हो जाएगा आपके पास, अप टू 1 degree Celsius, ये आपको याद रखना है। टोटल एनर्जी अलग है आपके पास, लेटेंट हीट ये क्या करेगा, गुप्त ऊष्मा क्या करेगा, ये किसी भी वस्तु की स्टेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, स्टेट चेंज अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ये चीज आपको यहां से याद रखनी थी। क्लियर हो गया, याद हो गया सबको? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, ए था आपके पास। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और ये मेरे हिसाब से आज का
सबसे बड़ा न्यूमेरिकल होने वाला है। जो अब तक आपने पढ़ा होगा, आज तक आपने जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल किया होगा, आपके लेवल पे अगर बात की जाए, आपके एग्जाम के लेवल पे, थैंक यू महेंद्र, थैंक यू सो मच, फटाफट से आंसर दें, जितना जल्दी होश के आंसर दें। जितना जल्दी होश के आंसर करें। न्यूमेरिकल है, सीखना जरूरी है। सर आज के महेंद्र भाई हरियाणा से ही, ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर करें। किसी का आंसर सी आ रहा है, किसी का आंसर डी आ रहा है, क्योंकि वजह यह है कि आपने ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़ा ही नहीं। पहले ये करते हैं कि किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है ये क्वेश्चन, किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कैलोरीमीट्री, लॉ ऑफ कैलोरीमीट्री पे बेस्ड है, कैलोरीमीट्री के सिद्धांत पे बेस्ड है। इसका मतलब जितना एक ऑब्जेक्ट हीट लॉस करेगा, ऊर्जा का ह्रास करेगा, उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट ऊर्जा को ग्रहण करेगा। ओके सर, अब यहां से देखो, आपके पास आप ये जानते हैं कि अगर 1 ग्राम वाटर 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इसका कम किया जाए तो कितने, देखो जूल में दे रखा है, कैलोरी में दे रखा है, वो आपकी मर्जी। तो ये 1 कैलोरी एनर्जी को रिलीज करता है, ये एग्जिट करता है, इतना इमिट करता है। आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, कितना, 25 और कितने ग्राम, 300 ग्राम। तो कितने कैलोरी आ जाएगा आपके पास, अगर आपके पास 25 ग्राम पानी है और सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी है और कितने ग्राम है, 300 ग्राम। तो टोटल आपके पास 7500 कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी, आपको इतने कैलोरी आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इतनी कैलोरी मिल रही है तो। अब आपको करना क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम बर्फ आपके पास, 100 ग्राम बर्फ। तो अगर आप आपके पास कितना है, इतना, आप ये जानते हैं कि 1 ग्राम आइस को अगर आप 1 ग्राम वाटर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी लेटेंट हीट आपके पास क्या होगी, इसका तापमान कितना, 0, और इसका भी कितना, 0। तो कितने कैलोरी चाहिए आपको, सर ये चाहिए आपको 80,000 कैलोरी। अगर ग्राम की बात है तो सिर्फ 80 कैलोरी हो जाएगा। 1 ग्राम के लिए चाहिए 80, 100 ग्राम के लिए आपको कितना चाहिए, 100 ग्राम से इसे 100 ग्राम वाटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे बदलो, कितना चाहिए सर, तो सर 80 का 100 गुना आपको चाहिए 8000। और आपके पास कितना है, 7500, इसका मतलब ये 7500 डिग्री सेल्सियस वाला पानी इस बर्फ को नहीं पिघला सकता, और जब तक ये बर्फ नहीं पिघलेगी इसका तापमान क्या रहेगा, 0। ये है आपके पास क्वेश्चन, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। इंग्लिश में कितना दे रखा है, 15 का होगा तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि अगर ये 15 लेके चलते हो तो आपके पास कितने कैलोरी आता है, 4500 कैलोरी। आपको बर्फ को पिघलाने के लिए कितना चाहिए, तो ये आपको चाहिए 8000 कैलोरी। तो 4500 कैलोरी 8000 का तो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, 0, यानी बर्फ ही नहीं पिघलेगी। जयसिंह भाई समझाना था इसलिए टाइम ज्यादा लगा, समझाना था इसलिए टाइम ज्यादा लगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है वो देखिए। आप जब आप एग्जाम में सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे,
आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे एक, ठीक है। दूसरा आपके पास 100 ग्राम बर्फ से, तो 100 ग्राम आइस, तो 80 गुना 100 कितना हो गया 8000। ये कितना 75, ये कितना 8000, चेंज ही नहीं होगा तो आंसर क्या होगा 0। इतनी देर का क्वेश्चन था, लेकिन इतनी देर का क्वेश्चन आप कब सोल्व कर पाएंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ये क्लास छोटा ही रहेगा आपका, 40-50 मिनट का रहेगा बस। नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है कि अगर 50 से 40 होने में 5 मिनट का टाइम लगता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 20, तो कितने मिनट में इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका किस पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है, न्यूटन के शीतलन के नियम पे बेस्ड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है, न्यूटन के शीतलन के नियम पे बेस्ड है, और ये एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते कैसे इसको सोल्व करेंगे, डिटेल समझा देता हूं आपको एक बार, डिटेल बता देता हूं आपको एक बार, इधर ध्यान दें। सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, पहले था आपके पास 50, 50 से हुआ 40, ठीक है, और 40 से हो गया 30, यहां लगे हैं आपको 5 मिनट, 5 ही दे रखा ना क्वेश्चन में, 5, हाँ ठीक है, यहां लगे आपको 5 मिनट और यहां लगा टाइम कितने मिनट, ये आपको सोल्व करना है। तो चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए इधर, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कैसे सोल्व करें इसको, कैसे सोल्व करें, तो ध्यान दीजिए इधर, आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है टेम्परेचर हाई, ये फॉर्मूला आप रट लें, याद कर लें, समझ लें, टेम्परेचर लो या चाहे हाथ पे लिख के ले जाएं पेपर में, लेकिन करें जरूर, बाय टी इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर हाई प्लस टेम्परेचर लो डिवाइडेड बाय टू माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये फॉर्मूला है आपके पास, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ये आपके पास। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सर टी हाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, टी लो की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट, के 50 प्लस 40 बटा आपके पास क्या हो जाएगा 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20, के इंटू 90 का आधा 45, 45 में से 20 गया 25, तो आपके पास हो जाएगा इधर 10/5 के 25, और ये हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज के की वैल्यू आपके पास, सर के की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 125/10, 125/10, ये इधर मल्टीप्लाई, ये नीचे चला जाएगा, 5 से करेंगे तो नीचे आएगा, 2 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2। अब अगले स्टेप के लिए, इसके लिए क्या होगा आपके पास, वही कंसेप्ट दोबारा रिपीट कर दो आप, इस बार ज्यादा टेम्परेचर क्या है इस वाली स्टेज के लिए, इसके लिए 40 माइनस 30 टाइम टी इज इक्वल टू के इंटू 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब के की वैल्यू कितनी है अपने पास 25/2 मल्टीप्लाई किससे, 70 का आधा 35, 35 में से 20 गया 15, ये आपके पास, ये कितना आ जाएगा 10/t इज इक्वल टू आपके पास 25 × 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 5 से करूंगा मैं 5 × 3 = 15, 5 से करूंगा मैं 2। अब यहां देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज
इधर आ जाएगा आपके पास कितना, यहां से अगर आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 4। यहां से एक सेकंड आपने देखा 10/t, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, k की वैल्यू, k की वैल्यू आपके पास 10/5, ये आपके पास t हाई, ठीक है, t लो, ठीक है, टाइम k, t हाई प्लस t लो डिवाइडेड बाय 2 माइनस t सराउंडिंग, 40 और 50 90, 90 का आधा 45 माइनस भी 25, इसका मतलब आपके पास क्या है 10/5 यानी कि 2, और इधर k है और k के अंदर 25 है, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आपके पास आएगी 2/25। ये उल्टा कर रहे थे आप लोग, यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 2/25, तो यहां से जो k की वैल्यू आप पुट कर रहे हो वो कितना है 2/25, और डिफरेंस कितना आ रहा है 15। ये कैलकुलेशन गलत कर रहे हो आप, यहां से के की जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो आप, ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या होगा डिवाइड में होगा, तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/25, और जब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10/t 2/25 इंटू आपके पास कितना है 15, 5 से करेंगे 5 5 25, 5 3 15 यहां से, और 2 से करेंगे तो कितना 5, तो दिस इंप्लाइज आपके पास 3t इज इक्वल टू 25, और t का आपका वैल्यू आएगा 25/3 मिनट, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तरीका आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कैलकुलेशन की गलती थी वो एक बार ठीक कर देते हैं, जहां गलती थी उसको ठीक कर देते हैं इस वाले पार्ट को हटा के, ये वाला पार्ट बस, अब सही है आपके पास, अब सही है, ठीक है, यस बिल्कुल, आपका 25/3 होगा बिल्कुल। क्या ये न्यूमेरिकल सबका सोल्व हो गया, टी हाई आपके पास 50, टी लो 40, टाइम 5 मिनट, सराउंडिंग का टेम्परेचर ये, यहां से तो क्या आएगा आपके पास, यहां से आएगी के की वैल्यू, और अगले स्टेप में टी हाई ये, टी लो ये, टाइम ये, और के की वैल्यू ये, तो यहां से आ जाएगा आपका टाइम की वैल्यू। अब आते अपने क्वेश्चन पे, पीडीएफ नहीं मिला तो भाई एक बार फिर से मैं टीम से बता दूंगा, मिल जाएगा। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। सर रूम टेम्परेचर आप 25 भी ले सकते हो, 27 भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अस्मित जय हिंद, यस अनुज, लेटेंट हीट से स्टेट चेंज और स्पेसिफिक हीट से टेम्परेचर चेंज। शुभम भाई पीडीएफ मिल जाएगा, 100% मिलेगा आपको, इसके लिंक में आप देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेना, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। और आप में से किस किस ने मैराथन क्लास शेयर कर दी है, फटाफट एक बार कमेंट करें, किस किस ने मैराथन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी है। सर जी क्लास कब से चालू है, ये क्लास तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है कि आप पेड कोर्स में 77% ऑफ पा सकते हैं, 77% ऑफ पा सकते हैं किसी भी पेड कोर्स में अड्डा 247 पे, ये है बिल्कुल। भाई किस किस ने कल वाली क्लास शेयर कर दी है, भाई बिल्कुल शेयर कर दो उसको, इतना सारा कंटेंट एक ही क्लास में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल गौरव भाई बिल्कुल सेल्फिश हो रहा है ना, ये ले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास, बताओ आंसर। मैंने सन से आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, सन से मैंने कहा था सन का जो टेम्परेचर होता है कितना, बताया था मैंने आपको
5505 डिग्री सेल्सियस या 5778 ये सरफेस का है केल्विन, ठीक है। ये किसका है टेम्परेचर, सन के सरफेस का। और ये किससे मापते हैं हम, ये मापते हैं हम पायरोमीटर से। तो अब मेरे हिसाब से अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर कल आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है तो अब तो इसका आंसर आ जाएगा। हाई टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर, पायरोमीटर का मतलब ही क्या है, ठीक है। और क्रायोमीटर, क्रायोमीटर ये क्या मेजर करता है, क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। यहां आपके पास मिनिमम ही कंडीशन क्या होगी, मिनिमम ही आपके पास 800 डिग्री सेल्सियस होगा, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। बिल्कुल, ये कल जो बताया था ये मैंने कल समझाया था उसी पे इस तरीके से थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बनाएगा। तो अगर आप वो सेशन एक बार देख लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन निकलेगा, उसी में से क्वेश्चन बनेगा आपका, उसी में से रहता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। बिल्कुल, जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं यकीन मानिए कि आप 5 से 7 तो नंबर तो अभी तक आपका कंप्लीट हो गया होगा डायरेक्ट। बिल्कुल अनुज, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, सवाल काफी अच्छा है। और आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, ओन भाई चेक कर लेना। और ये जो क्लास है, इस क्लास का जो लिंक होगा, लिंक आज आपको मिल जाएगा चैनल पे। जब आप जाएंगे तो आज आपको ये लिंक मिल जाएगा चैनल पे। आप अगर जाएंगे अपना अड्डा 247 डिफेंस पे जाएंगे आप, और इसको सब्सक्राइब भी कर लो भाई, सब्सक्राइब भी कर लो, इस पे आपको विजिबल हो जाएगा, आज ही आपको विजिबल हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके अलावा बताओ, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है पैसा, अरे यार ये फ्री है, फ्री है, लेकिन ये सिलेक्शन मटेरियल है, ये सिलेक्शन मटेरियल है सर। कल वाली क्लास का पीडीएफ नहीं, पवन भाई बिल्कुल मिलेगा, 6 AM से शुरू करूं, 6 AM पे आ जाओगे? हाँ भी बताओ 6 AM पे कौन कौन आ जाएगा। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू सो मच, 6 AM कौन कौन आ जाएगा? हाँ ये भी फ्री में है पीडीएफ भी, तो 6 AM पे आ जाएंगे, फटाफट से कमेंट करो जल्दी से 6 AM वाले जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, ठीक है, आपके पास रमन भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, एक बार रमन के लिए सारे जोरदार तालियां बजाएंगे। रमन भाई क्या बात है, क्या मैसेज लिखा आपने, दिल खुश कर दिया।
अस्मित भाई 5 बजे स्टूडियो वाले नहीं आएंगे, मैं तो तैयार हूं। ठीक है, आज इसका लिंक मिल जाएगा और ये लिंक इतना शेयर कर दो, इस पे सबको बोल दो कि नोटिफिकेशन ऑन कर ले, इसका नोटिफिकेशन ऑन करवा दो और लाइक का बटन दबवा दो, लाइक का बटन दबवा दो। 8 PM वो देख लेंगे, आगे का पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता कितने घंटे चलेगी। ठीक है, कल वाला PDF आपको मिल जाएगा, आज रात से पहले आपको PDF मिल जाएगा। मैं सेशन खत्म होते ही इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देता हूं। हेलो गगन, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, तो ये सेशन, ये नोटिफिकेशन, और जो भी नोटिफिकेशन जिसके पास ही पहुंचे लाइक का बटन दबा लें। चलिए फिर आज इस क्लास को रखते हैं इतना ही। फाइनली जय हिंद जय भारत, अपना और अपनों का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।